नमस्कार, वी आर इन गॉड्स ओन कंट्री केरला। हमारे सफर की शुरुआत होती है मुंबई से। सस्ते फ्लाइट के चक्कर में हमने रात 12 बजे की फ्लाइट बुक करी थी और रात 2:30 बजे हम कोची लैंड करते हैं। केरला के पूरे सफर के लिए हमने कैब बुक करी थी, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमारी कैब हमें 4:30 बजे पिकअप करने वाली थी, लेकिन हमें आ रही थी नींद, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट पर ही सो जाने का डिसीजन लिया। जब तक हम हमारी नींद कंप्लीट करते हैं, तब तक आप मुन्नार जाने के ऑप्शंस नोट डाउन कीजिए। मुन्नार आने का चीपेस्ट वे है बाय बस, जो 300 से 700 पर पर्सन पड़ जाता है। डिपेंड्स अपॉन आप गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बस से ट्रैवल करते हो, और इसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और क्विकेस्ट वे है टैक्सी, जिसका कॉस्ट 2500 से 3500 होता है, और यह 3 से 4 घंटे में आपको मुन्नार ड्रॉप कर देंगे। कोची टू मुन्नार का सफ़र काफ़ी खूबसूरत है, लश ग्रीनरी एंड हिल्स ऑल अराउंड यू, ऊपर से बढ़िया मौसम। ऑन द वे आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स जैसे चेयापारा वाटरफॉल, वलारा वाटरफॉल और करादीपोरा व्यू पॉइंट देखने मिलते हैं। हमारा होटल चेक इन था दोपहर 12 बजे का, इसलिए हम सीधा आ पहुँचे इराविकुलम नेशनल पार्क, क्योंकि यह सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और सुबह यह आने का बेस्ट टाइमिंग है। सो अभी हम लोग हमारे फर्स्ट प्लेस पे आ गए एक्सप्लोर करने के लिए, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क का काफ़ी इशू है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनका वाईफाई दिया है और पासवर्ड भी है, तो ये वाईफाई यूज़ करके आप पे कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है, चलो आगे जाते हैं। तो अभी ये बसेस में बैठ के हमें जाना है, एक प्लेस पे हमें छोड़ने वाला है, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर वॉक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थार वॉक के लिए यहाँ पे। तो अभी बारिश गिर रही है, तो हम लोगों ने ये पोंचो खरीदा है 100 रुपये का, अरे देखो सब कलरफुल हो गया है। तो बस ने अभी हमें नीचे ड्रॉप किया था, वहाँ से अभी 1 किलोमीटर चल के जाना है जहाँ पे थार है, और वहाँ पे वो गोल्फ कार जैसा भी था, वो आई थिंक 800 पर पर्सन है अगर आपको चलना मिली है तो। 800 पर पर्सन? यस। तो ये एंड बाउंड्री है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। काफ़ी सारे यहाँ पे आने वाले, लेकिन बारिश की वजह से अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर बारिश हो रहा है तो यहाँ पे मत आना, आपको कुछ नहीं, एक भी एनिमल दिखने नहीं मिलेगा। तो एनीवेज चलो अभी जाते हैं नीचे। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट निकल रहे थे यहाँ से, लेकिन फाइनली अभी हमें दिखने दे रहे हैं, ये रहे यहाँ के नीलगिरी थार। तो यहाँ पे कैफे भी है, बेकरी प्रोडक्ट्स और साउथ इंडियन डिशेस भी है। तो हम लोगों ने फिलहाल के लिए कॉफ़ी और वेज पफ लिया है। कैसा है वेज पफ? तो अभी हम हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि लखनऊ वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल इराविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ से आपको आगे आना है 15 से 17 किलोमीटर के बाद आपको वाटरफॉल दिखने मिलेगा। तो चलो अभी अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, 50 रुपीज़ टिकट, और अभी यहाँ पे आगे जाना है। तो अभी यहाँ पे स्टेप्स ऐसे है और 100 मीटर चलना है। तो अभी हम लंच करने के लिए आए हैं गुरु रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अभी एक एक्सीडेंट होते होते बच गया। कार अपने आप पीछे जा रही थी विदाउट ड्राइवर, लेकिन एक जन ने आके ब्रेक लगाया। एनीवेज चलो अभी हम जाते हैं लंच करने के लिए। गया
मंदिर वाले सब एक अच्छा रोटी चांदर चांगले थ्री टू वन स्टार्ट। तो मुन्नार मार्केट में ये एक स्नैक्स मिलता है, ये बहुत टेस्टी है, अब यहाँ आएंगे तो जरूर ट्राई करना। सर इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम पता है? ये जो हम लोग खाते हैं अचपम। अचपम इज वेरी अच्छा। शंकर पाटिल तो ये हमारा यहाँ का स्टे, यहाँ पे स्टोरेज है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे वॉशरूम नीट एंड क्लीन। ये वॉशरूम में टेलीफोन कहीं को रखा है, किससे बात करनी है बिजनेस करते वक्त। और ये मैं चेक बेडरूम, वाह काफ़ी खूबसूरत है। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का व्यू, सामने ए टी प्लांटेशन है सारा। सो अभी हम एक्टिविटी जोन में गए थे, वहाँ पर कैरम टेबल टेनिस और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी और हाउस भी था, खेल के आ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, आसपास ही कोई लोकल क्यूजिन या का एक टिपिकल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेट से मिलते हैं क्या, वहीं पर आज डिनर करेंगे। सो अभी वहाँ पे हमारा होटल था, वहाँ से 5 to 10 minutes के वॉकिंग पे यहाँ पे स्ट्रीट पे काफ़ी सारे शॉप्स है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग आए पर्पल फूड कोर्ट, यहाँ पे फूड ट्राई करते हैं। चिकन एंड पनीर बटर पनीर। ये चिकन यहाँ का मतलब स्पेशलिटी है साउथ साइड का, लेट्स ट्राई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे टू मुन्नार में विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। हमारा यहाँ पे स्टे एक ही दिन का था और यहाँ पे स्टे काफ़ी महंगा है ये हमें पता है, लेकिन आप बजट ऑप्शन देख रहे हो तो मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए सरवाना भवन आए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमने इडली मेदूड़ा डोसा लिया और सब काफ़ी अच्छा था। एक बात याद रखना, यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है तो टाइम निकल के आना। फिर हम चल पड़ते हैं टॉप स्टेशन की ओर जो सबसे दूर था, और रिटर्न आते समय हम बाकी के प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। तो अभी हम टॉप स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे पार्किंग है और सीधा चल के जाना है 500 मीटर्स टू रीच टॉप स्टेशन। Which fruit is best? Passion fruit. Sweet. चाची लाल की माला देख रहे भाई। खाओ कहा था? तो यहाँ पे एंट्री टिकट है 20 rupees पर पर्सन। यहाँ पे ऊपर से भी व्यू है और नीचे भी जा सकते हो 100 meters।
तो अभी हम लोगों ने ऊपर से व्यू देख लिया, काफ़ी खूबसूरत था। अभी हम जा रहे हैं नीचे जो कि वैली के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से एग्जैक्टली प्रॉपर अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी हम आए कुंडाला डैम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्किंग का थोड़ा इशू है, तो जब भी आप अपनी प्राइवेट कार लाए तो कहीं और तो कहीं दूर पार्क कीजिए और चल के आइए थोड़ा। अभी हम लोग अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे पैडल बोट, रॉ बोट, शिकारा बोट ये सब है और ये उसके चार्जेस। तो अभी हम आए इको पॉइंट पे, यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे भी बोटिंग होता है। लेट्स सी कैसे। यहाँ पे टिकट है 10 रुपीज़ टिकट। अभी अंदर जाते हैं। तो अभी हम आए टी फैक्ट्री में, यहाँ पे जो लीव्स होते हैं उससे जो हमारे घर पे टी आती है उस तक का सफ़र बताया गया है कैसे होता है। तो ये टिकट काउंटर है, अडल्ट का 100 और चाइल्ड का 40 रुपीज़ टिकट है, जिसमें 10 मिनट का एक वीडियो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंग्लिश में, और 15 मिनट्स का ब्रीफिंग होता है अबाउट टी मैन्युफैक्चरिंग, और फिर बाद में गैलरी व्यू फैक्ट्री विजिट होता है। तो ये टाइमिंग है, यहाँ पर 15 मिनट पहले टिकट इशू होता है। तो अभी हम आए हैं फ़ोटो पॉइंट पे, यहाँ पे फ़ोटो निकाले जा रहे हैं 40 रुपीज़ पर फ़ोटो सॉफ्ट कॉपी के, और 100 रुपीज़ पर हार्ड कॉपी। इसी के साथ हम मुन्नार को बाय बोलते हुए निकल पड़ते हैं थेकड़ी की ओर, और अंदर हमें काफ़ी कुछ प्लेसेस देखने मिलते हैं जैसे लोकार्ट कैप, और काफ़ी कुछ प्लेसेस हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले थेकड़ी वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। सी या। अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये रहा आपके लिए बोनस। आप मुन्नार ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे। पहले दिन आप नॉर्थ मुन्नार के प्लेसेस कवर करोगे, और दूसरे दिन आप टॉप स्टेशन रूट वाले प्लेसेस कवर करोगे। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हो तो आपको और एक दिन लगेगा। ये सारी बातें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए एक आइटनरी बनाई है। आई होप कि आपकी जर्नी इससे आसान हो जाए।